तो देश में हम संविधान बदल सकते हैं। ये उन्होंने अपने पूरा जो जो उनकी जमात है, चाहे वो गुंडों की जमात हो, चाहे वो हिंदुत्ववादी उनकी ताकतें हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बता दिया है अपने वोटरों को और अपनी जमात को कि देश में हम कुछ भी कर सकते हैं। एक खतरा ये साफ साफ मुझे यूपी में दिखा, मैंने जिससे भी बात की, पढ़ा लिखा आदमी हो, प्रोफेसर हो, इंटेलेक्चुअल हो, इलाहाबाद जैसे शहर के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक से मेरी बात हुई, वो कहे, मैंने बोला कि सर 370 हटा दिए गलत हुआ, बोले कोई बात नहीं, मैंने बोला जो संविधान में लिखा है वो करना चाहिए, बोले संविधान ही तो देश में सबसे बड़ा रोड़ा है। जिस सरकार का ने ये माहौल बना दिया उस देश में कि अब लोग कहना शुरू कर दें कि संविधान ही देश में सबसे बड़ा रोड़ा है आज की डेट में हमारे देश के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि ये कहां हमें लेके जा रहे हैं। रोज रोज ये कहते हैं पाकिस्तान को हरा देंगे, पाकिस्तान से लड़ लेंगे, हम तो मोदी से कहते हैं कि अपने जिस शहर में हम खड़े हैं वहां पे कुछ करके दिखा दो, पूरे देश की बात छोड़ो। आपको लोगों ने चुना था गरीबी से लड़ोगे, लोगों का पैसा बचाओगे, आपको लोगों ने चुना था बेरोजगारी हटाओगे, इवन आपके लोगों ने आपको चुना था कि आप उनको सरकारी नौकरियां दोगे, आप वो भाग गए। आपको काहे का डर है अपने देश में रहने वाले कुछ मुसलमानों से और कश्मीर में रह रही उस जनता से जो आपके साथ 70 साल से है। मैं ये बात कतई नहीं मानता कि कश्मीर के लोग हमारे समर्थन में है भारत के, कश्मीर के लोगों का भारत आज भी है, आज भी था, पहले भी रहेगा, पहले भी था, ये कहना बिल्कुल बिल्कुल बेकार है कि हम कहें कि कश्मीर हमें मानता था, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर के लोग जितना भारत हमारा है उतना ही भारत कश्मीरियों का भी है। तो इस सरकार ने ये जो साबित किया है कि कश्मीर को हमने पकड़ लिया, कश्मीर हमने बचा लिया लोगों के लिए, उससे हमको क्या मिलेगा? आप पहले ये बता दो कि 55 दिन से आपने कश्मीर क्यों नहीं खोला? आप में से लोगों ने सुना होगा कि 4 दिन पहले पाकिस्तान में भूकंप आया है, पाकिस्तान में भूकंप आया है, पाकिस्तान की तरफ जो लोग हैं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। उसी दूसरे हिस्से का जो पाकिस्तान है वो भारत ने कैद कर रखा है, जहां से एक भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया कि कितने बिल्डिंग गिरे, कितने लोग मरे, कितना स्कूल गया, कितना क्या हुआ। ये सरकार एक दैवीय आपदा हुई है, अर्थक्वेक हुआ है, उसके बाद भी लोगों को बताने की हिम्मत, क्योंकि इन्होंने कश्मीर को बंद कर रखा है। सुनने में आ रहा है जो अभी एनी जी ने बताया और मैं 4 दिन पहले जो रिपोर्ट पढ़ी कि 13,000 से ज्यादा बच्चे वहां कैद हैं, वहां पर जेलों में उनको बंद कर रखा है। तो ये सरकार कैसी है? एक तरफ तो दिल्ली के पार्कों में शाखा चलाती है, 12 साल के 13 साल के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं दिल्ली में, इलाहाबाद में, बनारस में कि भारत माता की जय और मुसलमानों को देश से भगाओ। दूसरी तरफ अपने ही देश में ये 13,000 बच्चों को कैद करके रखे सिर्फ इस डर से कि वो बच्चे बता देंगे कि साहब नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। ये सरकार युद्ध का माहौल सिर्फ इसलिए नहीं फैला रही कि इनको कुछ करना है, युद्ध के माहौल के पीछे ये बहुत सी चीजें दबाना चाहते हैं। जो अभी ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बुला करके वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में डांस करवाया है, उस डांस प्रोग्राम में, तो उसको डांस प्रोग्राम कहूँगा, नरेंद्र मोदी की स्पीच को हम स्पीच नहीं मानते हैं। उस स्पीच में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जहां से यहां से आदमी वहां गया, लेकिन कश्मीर के मामले में भारत में अभी तक नरेंद्र मोदी का एक लाइन का बयान नहीं है। बोलता हमने सब ठीक कर दिया। अरे आपने ठीक किया है तो आप कश्मीर का ताला खोल दो। आप पाकिस्तान बोलते हो हमसे बहुत पीछे है, पाकिस्तान से ही आप कंपटीशन करते हो। तो बहुत साफ बातें हैं कि पूरे युद्ध को माहौल को बनाने के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनका जो पूरा गैंग है हमें असली मुद्दों से छुपाना चाहता है। दूसरा कि ये बड़े बड़े शक्तियों के बल पे ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा पूरा उसको बोलते हैं डामाडोल हो और लोग बोले कि हम अब आपके देश को हम संभालेंगे, आप रहने दो। 1 महीने पहले तक जो ट्रंप बोलता था कि कश्मीर में हम हाथ नहीं लगाएंगे, 2 दिन पहले ट्रंप ने बोला है कि कश्मीर के लिए मैं नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। आप ये औकात कब से देने लगे हम अमेरिका को हमारे देश के बारे में बात करने के लिए?
हमारे देश के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो उसके पहले थी 2019 से पहले, फिलिस्तीन के खिलाफ पहली बार हमने वोट दिया यूनाइटेड नेशन में, जो इसराइल ने अत्याचार किया उसके समर्थन में। ये सरकार बिल्कुल साफ साफ सामने आ चुकी है कि हम मुसलमानों को, हम दलितों को और बाकी जो पूरी नीचे की जमात है, पिछड़ी हुई जमात है, उसको हम अलग करेंगे और फांसीवादी जो हमारा पूरा जो एजेंडा है खोल के बोलेंगे, और किसी की हिम्मत हो तो बोल के दिखा दे। अभी रोज आप सुनते होंगे अयोध्या का मामला चल रहा है, अभी शायद जहां हम खड़े हैं 2 महीने पहले यहीं पर एक रैली हुई थी जिसमें हमारे लोकसभा के स्पीकर आए थे ओम बिरला। वो रैली थी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही हो, जिस देश में ये बात हो रही हो कि हम राम मंदिर हमें बनाना है, जिस देश में बात हो रही हो आरक्षण हटाना है, तो आप मान लीजिए कि ये माहौल खतरनाक है और लड़ाइयाँ अलग अलग जगह हैं। कहीं दलितों को मारा जा रहा है, कहीं कश्मीरियों को कैद किया जा रहा है, कहीं बच्चों को कैद किया जा रहा है। तो ये समय बहुत 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 विकट है कि हम बाहर आए, और इस सरकार से ही नहीं अपने लोगों को भी हमको गोलबंद करने की ज़रूरत है कि डरिए नहीं, ये नरेंद्र मोदी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं ऊपर से आया है और इसके पास बहुत कुछ है, ये EVM से जीता है, हम सबको पता है। तो हमारी भी जो जमात है, 100 लोग हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, हमें अपने आप को भी गोलबंद करना है कि हमें इससे डरना नहीं है। ये 2 मक्कार लोग हैं और एक इसका जो एक आदमी और है NSA का जो क्या कहते हैं जो चीफ है, ये 3 लोगों के बल पे सरकार चलती है। तो हमें इनसे बिल्कुल नहीं डरना है, बाहर आए और नरेंद्र मोदी को बता दें कि हम 2 ही लोग होंगे साहब, लेकिन हम हमेशा खड़े रहेंगे इसी जगह और जहां तुम अत्याचार करोगे, और हम लड़ेंगे। तो मैं कुछ नारों के साथ खत्म करूंगा। वी से आप बोलेंगे नो टू वॉर, अगर हो सकता है वी से नो टू वॉर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।